गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का देखिए हमारा टॉपिक है फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेज़ कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। देखिए, ये आपका थायरिस्टर लगा हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका इंडक्टर है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका वी आई है, वी एम साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ दिया हुआ है। ये देखिए अल्फ़ा एंगल पे आपका आई जी है या गेट पल्स मिल रहा है थायरिस्टर को। अब देखिए, जैसे ही आपके थायरिस्टर को गेट पल्स मिलता है वैसे ही आपका आउटपुट यहाँ पे वी नॉट आउटपुट किसको मिलने लगता है, यहाँ पे आपके लोड को मिलने लगता है। देखिए जैसे ही अल्फा एंगल आपको मिला यहाँ पे आपका आउटपुट मिलने लगता है। देखिए रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड में एक डिफरेंस है। देखिए पिछले वाले में क्या था, सिर्फ रेजिस्टिव लोड था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडक्टिव लोड में क्या होता है, कुछ देर तक एनर्जी स्टोर रहती है। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रहे हैं तो देखिए तो अल्फ़ा एंगल तक क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव वोल्टेज इसको मिल रहा है। आउटपुट पे क्या हो रहा है, हमें नेगेटिव वोल्टेज कुछ देर के लिए मिल रहा है। कितने देर के लिए, अल्फ़ा एंगल तक के लिए। देखिए पहले साइकिल में भी यही हुआ, दूसरे साइकिल में भी यही हुआ, यही चीज़ आपका रिपीट हो रहा है। फिर से देख लीजिए, रेजिस्टिव लोड में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में फ्लो करता था, लेकिन इंडक्टिव लोड में क्या हो रहा है, अल्फ़ा एंगल के लिए ये आपका फ्लो कर रहा है। ये जो आपका है ये कितना है, अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा फायरिंग एंगल है, इसलिए यहाँ भी क्या कर रहा है, अल्फ़ा ही है। उतने देर के लिए क्या कर रहा है, आपको नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट पर मिल रहा है। अब देखिए करेंट भी क्या है, इसमें क्या है, जब तक आपको वोल्टेज मिल रहा है लेकिन इसमें करंट क्या है, पॉजिटिव है, कंटिन्यू पॉजिटिव। देखिए जैसे ही फायरिंग एंगल मिलता है थायरिस्टर को वैसे ही थायरिस्टर ऑन होता है, करंट फ्लो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिव लोड में क्या हो रहा था, आपके नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, आपका करंट जा रहा है।